फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इसकी मैंने आपको पिछली वीडियो में जैसे जो भी बताया था, तो उसमें मेरे को कमेंट आए थे, भाई समझ में आया, दोबारा वीडियो को बढ़िया करके बताइए। तो मैंने यहाँ पे पूरे कनेक्शन कर रखे हैं, यहाँ पे मैंने अपना कार्ड लगा रखा है, तो मैं यहाँ पे अपना पॉइंटर जिस तरह लगाऊंगा, जैसे कि हमारा ये ऑन हो गया है। अब हमें यहाँ पे बेस चेक करना है अपना, तो बेस किस तरह चेक करेंगे, तो जैसे कि हमारी चेक आप देख लो, हमारी इस पर बेस बज रही है, मतलब तेज आ रही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी जैसे अगर आपकी वॉल्यूम ख़राब होती है, तब भी आपकी बेस आपको चिमटी से यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारा ट्रैवल भी यहाँ पे ओके है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर भी चेक कर सकता हूँ इस तरह से। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर भी हमारी चेक होती है। अगर मान लीजिए आपके बीच का अगर कोई भी कैपेसिटर वगैरह लूज हो जाता है, तो आप यहाँ पर टच कर अपनी बेस और ट्रैवल को चेक कर सकते हैं, हमारा कम क्यों आ रहा। अगर वहाँ पर भी आपको, तो आपको यहाँ पर आपको चेक करना है। यहाँ के बाद आपको एक कंडेंसर मिलता है, एक कंडेंसर होगा या कंडेंसर, ये दोस्तों ऐसे हमारे यहाँ पर कंडेंसर है लगा हुआ, एक कंडेंसर यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद इस वाली पिन पे हमारे यहाँ पे यहाँ से हमारी रेजिस्टेंस है, जैसे कि हमारी रेजिस्टेंस यहाँ से गई है, तो इस लाइन में तो हमारा वैसे फॉल्ट नहीं होगा, इससे हमारा यहाँ गया और इस वाली से हमें यहाँ पर मिल गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा निगेटिव से यहाँ पर जॉइंट है, ये हमारा निगेटिव वायर है ना, इसलिए हमें यहाँ पर हमारे पी एफ देखने को मिलता है। ये सॉरी दोस्तों, पी एफ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जितने पी एफ हैं वो हमारे निगेटिव से अटैच होते हैं, जैसे कि हमारी नॉइज़ और हमिंग वगैरह ना आए। तो आपको इस वाली से इस रेजिस्टेंस पर आप जब देखो, तो यहाँ पर आपको एक कंडेंसर देखने को मिलता है, ये कंडेंसर आपका डायरेक्टली आपको यहाँ पर जाता है। ठीक है तो यहाँ से हमारी ऑडियो जाती है और यहाँ पर निकल के, तो यहाँ से जाएगी, तो हमारी यहाँ पर ट्रांजिस्टर जैसे कि हमारी छनकार और बेस में बदल देता है। तो आपको अगर आपका साउंड कम या आपकी बेस अगर कम आती है, तो आपको यहाँ पर ट्रांजिस्टर ये चेंज करके देख लेना, मैंने उस वीडियो में बताया था, ट्रांजिस्टर चेक करके देख लेना आपके, तो मेरे को समझ में नहीं आया। अगर आपके उसके बावजूद जैसे कि मैं यहाँ पर अपना साउंड प्ले कर रहा हूँ, जो मैंने अपना साउंड यहाँ पे बजाया, पर यहाँ पर अब मान लीजिए हमारी आईसी में फॉल्ट है, तब भी हमारे बेस कम आएगी। तो यहाँ पर हम किस तरह चेक करते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर उंगली लगाएंगे तो आपको ऑडियो सुनाई देगी। अगर आपको उस ऑडियो में आपकी फटी हुई आवाज़ सुनाई दे रही है, आपकी आवाज़ दबी हुई सुनाई दे रही है, तो आपको उस सिचुएशन में अपनी आईसी को चेंज कर देना होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप ऐसा, अब आप आईसी में जैसे मान लीजिए आपकी आईसी में फॉल्ट, आप यहाँ पर ढूंढते रहो, तो आप ढूंढते रहोगे, आपको बेस का फॉल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको बेस का फॉल्ट ढूंढना है, तो आपको पहले तो यहाँ पे चेक करना, अगर आपके यहाँ पे बेस टेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे चेक करना, यहाँ पर भी नहीं आ गया तो आपको यहाँ पर इस तरह से चेक कर लेना है। ठीक है, बेस टेबल तब आपका आ जाएगा। आपका यहाँ भी नहीं आया, तो आपको एक बार यहाँ पर अपनी उंगली रख के आईसी को चेक जरूर कर ले कि हमारे यहाँ पर भी साउंड आ रहा है या नहीं। अगर आपका यहाँ पर साउंड नहीं आ रहा है, मतलब दबाव आ रही है आपका, कुछ भी, मतलब आपको 19-20 साउंड सुनाई दे रहा है, आपको बेस में कोई फॉल्ट लग रहा है, तो आपको आईसी चेंज कर देनी है। आपकी आईसी गर्म पड़ती है, या आपका जैसे कि यहाँ पर हमारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर कम वैल्यू का लगा देते हैं हम लोग, या 25 है तो हम यहाँ पर 16 का लगा दें, या हम थोड़ा कम MFB का लगा दें, तो वहाँ पर भी हमारा ये फॉल्ट देखने को मिलता है, बेस हमारी दब जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले तो आपको आईसी को एक बार पूरी तरह चेक कर लेना है, आपको यहाँ पर साउंड देकर, उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया था, आप इस तरह से, जैसे मैं आपको अटैच करके दिखाऊँ तो आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पर भी हमारे छनकार बड़ी ना बड़ी दोस्तों, यहाँ पर भी हमारी छनकार बड़ी। ठीक, अब हमें बेस का भी हमारा यही रूल है, बेस का हमारा दिवाली पिन है ना बेस की, तो हम बेस को भी इस तरह चेक कर सकते हैं, तो बेस को भी हम इस तरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बेस को, यहाँ पर भी बेस को, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमें यहाँ पर भी बेस ना आ जाना है, तो हम यहाँ पर ही बेस अपना चेक कर सकते हैं, जैसे कि इसकी हमारा भी यहाँ पर भी हम बेस चेक करते हैं। सॉरी दोस्तों, मेरा पेन ड्राइव हट गया। अब हम यहाँ पर भी इस तरह बेस चेक करते हैं, जैसे मैंने उस समय आपको बताया था, उस समय कोई मैंने करंट नहीं दिया, इस समय मैं करंट दे के आपको बता रहा हूँ कैसा क्या है। जैसे हम यहाँ पर ही बेस अपने चेक कर सकते हैं, इसकी जे हमारी पेन यहाँ पर गई है, तो हमको यहाँ पर बेस बजा। तो दोस्तों, आपको इस तरह से अपने कंपोनेंट सारे चेक कर लेना, आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं, वरना कोई और रास्ता नहीं है। आप मीटर से चेक करेंगे, मीटर भी आपको वैल्यू थोड़ी बहुत बताता रहता है, अगर आपके इसमें कोई सा भी वीक होता है, तब भी आपकी बेस कम आती है, पर जितने बेस और ट्रैवल जितने भी निकलते हैं, वो आपके ट्रांजिस्टर से ही निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया, तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट, तो बाय बाय। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, तो हमें कमेंट कर जरूर बता देना नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर हो, और इस बार आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताना चाहा, आपकी बेस क्यों कम आती है और क्या क्या सिचुएशन आती है जिसमें बेस आपकी कम हो सकती है।